फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे दोस्तों। और इवनिंग का टाइम है, 6 o'clock से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 10th, आई थिंक 10th ही है, डेट का याद नहीं रहता यार, कैसे हो गए हम लोग ना। पहले ऐसा होता था कि डेट का बिल्कुल याद होता था, पहले देखती हूँ कभी मैं गलत बोल रही हूँ। कैलेंडर मैंने यहाँ लगाया हुआ है गेट के पीछे, आज है दिन वेडनेसडे। हाँ तो मैं राइट हूँ, आज 10th नवंबर है। और अभी मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ आज की मैं डिनर में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और पता है आप लोग के यहाँ भी शायद यही होता रहता होगा कि बच्चों की फरमाइश कुछ और होती है, बड़ों की कुछ और होती है। तो हस्बैंड ने खाना है बहुत लाइट सा, वो कह रहे मूंग की दाल बना दो। दोनों बच्चों ने मूंग की दाल बिल्कुल नहीं खानी है, उन्होंने कहा हमें पास्ता ही खाना है। और 3 दिन से आप ब्लॉग में यही सुन रहे हो, पास्ता पास्ता पास्ता। तो मैं सोचू फाइनली पास्ता बना दूँ, लेकिन कन्फ्यूज़न, आप कह रहे हो आप क्यों हैं, तो कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि हस्बैंड जी अभी बाहर बैठे हुए हैं, कोई जानने वाला आया हुआ है उनका, और फ्रिज में ना बिल्कुल भी सब्जियां नहीं हैं, टमाटर भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, और कोई गाजर वाजर कुछ भी नहीं है। मतलब पास्ता बनाने के लिए सब चीज़ें मेरी खत्म हुई पड़ी हैं। तो मैं काफ़ी देर पहले उनसे कह रही थी कि चलो कुछ सब्जियां लाते हैं, बट वो बाहर बैठ गए और बच्चों ने जिद लगा रखी कि पास्ता ही खाना है। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, तो मैं पास्ता बॉईल कर लेती हूँ और दाल बॉईल कर लेती हूँ, और जब बच्चों ने खाना वही है तो बनाना भी वही पड़ेगा। और उसके बाद मैं पहले सब्जी लेके आती हूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मेरे बाल ना देखो वाइट वाइट दिख रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, इनमें मुझे मेहंदी लगानी पड़ेगी यार, बहुत सारे बाल वाइट हो गए मेरे। आप लोग क्या करते हो अपने ग्रेस को कवर करने के लिए, आप बताइएगा। मेरे को लगता है कि मेरे ही बाल वाइट हो गए, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे एज के काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, तो लगभग काफ़ी लोगों के हो रहे हैं वाइट, बच्चे होने पर आई थिंक हो जाते हैं थोड़ा सा। आप कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस वगैरह हो ना तो शायद जल्दी हो जाते हैं, है ना। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों कि मेरे ये बैम्बू प्लांट के लिए एक्स्ट्रा केयर क्या करनी चाहिए, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो तो मेरी वैसे भी बिल्कुल होती ना जिगरी दोस्त रचना, तो उनका कमेंट आया था कि इसका पानी डेली चेंज किया करो। तो मैंने तो ये सुना था कि वीकली चेंज करना चाहिए, बट उसने बोला तो मैंने इसका आज भी चेंज कर दिया पानी, कल भी किया था। लेकिन देखो उसके प्लांट के ना ये लीव्स काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती ये बेचारा मरे, चल जाए अच्छे से तो ठीक रहेगा। सुनो महाराज, जो हम वॉकिंग कर रहे हैं, मैं पास्ता बॉयल कर आऊंगी, मेरे को स्कूल के लिए बचा देना थोड़ा। स्कूल में पास्ता चाहिए? हाँ हाँ, तो थोड़ा बॉयल करके रख दूंगी सुबह को। मैं दोस्तों को चिढ़ाऊं? चिढ़ाने के लिए चाहिए कि खाने के लिए चाहिए? ज्यादा देर और आज दोस्त बॉयल हुआ बाहर ही रखा है, वैसे मौसम चेंज हो गया, अंदर ना भी रखो ना, रात को रखो चल सकता है। हाँ बोलो, जितना मैं भी खाऊंगी ना उससे ज्यादा मेरे लंच बॉक्स में रखना, ठीक है, और बॉयल करके रखना, वरना मैं चुपके से खा जाऊंगी। इनको ये टशन दिखाना होता है दोस्तों को। सच बात तो ये है कि आज मम्मी ने ये बना के दिया है, गाय मम्मी दिया अभी मैगी ले जाऊंगी। वो बाहर गाय थी देखना, सुबह का पोहा बचा हुआ रखा, भाग गई वो, नहीं अभी थी नहीं मम्मी चली गई। आज इतना सारा पोहा बचा रखा है जिसकी मैं पोहे बनेंगे, पोहे क्या बनेंगे, गाय हो तो खिला देती हूँ, गाय आ जाती है वैसे रोज, खोल के देखो गाय होगी तुम। चलो एक बार वाली शेप के पास्ता बनाऊंगी मैं, इस बार ये वाली शेप के लाई थी, वैसे मेरे पास एक मैक्रोनी वाले शेप के भी है। ये वाला बनाओ, ये वाला, ये फर्स्ट टाइम ये नहीं, फर्स्ट टाइम तो लाया, लेकिन ये बहुत दिन से नहीं खाया वाला, यही बना लेते हैं। टेस्ट तो सेम ही, वैसे टेस्ट भी अलग होता है कुछ, ये कचकच से पता नहीं क्यों लगता है। मैंने पानी डाला तो मैं कुकर में एक सीटी लगा लेती हूँ, मेरा पास्ता परफेक्टली बॉयल हो जाता है। इसमें से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जैसे आप लोग भी डालते होंगे, ये यूज ऑयल है, एक बार का पूड़ी वगैरह बनाएगा इसलिए ऐसा लग रहा है। और इसी में थोड़ी सी नमक डाल दूंगी इसी टाइम पे, और इसको बॉयल कर लूँगी। एक सीटी ना, बस एक सीटी आते ही बंद कर देना होता है, पूरी अच्छी तरह बॉयल हो जाता है।
फ्राई करने के लिए मैंने आज स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ किया है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें स्प्रिंग अनियन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसका जो वाइट पार्ट होता है यानी पूरा अनियन वाला जो पार्ट होता है उसको भी काट लिया है, और उसके बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके बाद में इसको फ्राई कर लिया। अभी मैंने शिमला मिर्च लिए हैं और टमाटर लिए हैं, आपको जो जो वेजिटेबल पसंद है आप इसमें वो भी ले सकते हो, और इसमें पनीर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। मैंने दो बार बच्चों के लिए डाला तो उनको अच्छा लगा खाने में, बट आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं अच्छे से ना इसको मिक्स कर दूँगी, बस इसको हमें ना हाफ फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा रेड रेड सा नहीं करना। और उसके बाद में मैंने इसमें टमाटो सॉस डाल दिया, और मेरे बच्चों को ये चाइनीज़ टच वाला ही अच्छा लगता है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, एक तो टमाटो सॉस, दूसरा ये सोया सॉस और तीसरा विनेगर डाला है, और आप चाहे तो ग्रीन वाला जो सॉस होता है चिली सॉस वो भी डाल सकते हैं। हल्का सा रेड चिली डाला है, और ये सिर्फ बच्चे खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, उनको मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं देती हूँ, क्योंकि इसमें ये जो सॉसेस हैं वो उनके लिए हार्मफुल हैं। ब्लैक पेपर डाल दिया, और ब्लैक पेपर मैंने कल बनाया भी था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, बहुत से लोग पूछते हैं आप कैसे बनाते हो, बहुत ईजी है, तो मैंने शेयर कर दिया था। और बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना। उसके बाद इसमें पास्ता डाल दिया, और बहुत टेस्टी पास्ता बना था दोस्तों, आप लोग ऐसे नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत से लोग गार्लिक वाला बनाते हैं, बट मेरे बच्चों को वो वाला अच्छा नहीं लगता, उनको यही अच्छा लगता है, तो मैं यही बनाती हूँ हमेशा। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, जिससे इसके सारे जो फ्लेवर हैं एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, है ना। और देखो कलर अच्छा आ रहा है, और इसमें ये वेजीज और ज़्यादा होती तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगता, बट सक्षम को तो ना यही खिलाना मुश्किल है। श्रीजा तो इसकी वेजिटेबल भी खा लेती है, बट सक्षम नहीं खाता है, तो इतनी वेजिटेबल खा लेंगे यही बहुत है इन दोनों के लिए, और आज इनका मन शांत हो जाएगा दोनों का। कभी कभी बच्चों को बहुत होता है ना, मम्मा ये बना दो ये बना दो, और वो चीज़ हम नहीं बनाते तो बच्चे बहुत परेशान से होते रहते हैं। और आज काफ़ी दिन बाद मेरे घर में पास्ता बना है, मेरे घर में लगभग एक महीने में एक से दो बार पास्ता बन जाता है, इनको खाना अच्छा लगता है। और चलिए इसको ढक देते हैं थोड़ी देर, ये हस्बैंड के लिए जो दाल बनाई है उसको ओपन करके देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। एक सीटी लगा दी थी मैंने इसमें, तो ये परफेक्टली कुक हो गई है, मूंग की दाल है ये, और आज हस्बैंड को यही मिलेगा डिनर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगी मैं उनको। हल्का सा हींग जीरे का और घी का तड़का लगा दूंगी मैं इसमें, और घी भी बहुत कम क्वांटिटी में डाला है। एक किडनी पेशेंट को एक दिन में लगभग 2 चम्मच ही घी बताया जाता है, 2 स्पून से ऊपर उनको नहीं दिया जाता है, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि उनको उतना ही दिया जाए। दिन में भी मैं उनको पराठे वगैरह नहीं देती, क्योंकि देखो आप सब्ज़ी वगैरह जो बनाते हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो ऑयल जाता ही है ना फ्राई करने में, और यही कारण है कि मैं इतना कम ऑयल के साथ में खाना बनाती हूँ। चमचे में मैंने थोड़ा सा ले लिया, और ये चमचा भी मैंने इसलिए स्टील का लिया, तड़का लगा दिया। थोड़ी देर के लिए दाल को ढक दूँगी और फिर हस्बैंड को ये दूँगी, आज उनको रोटी भी नहीं दूँगी डिनर में, बस दाल दूँगी। दाल मैंने थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में बना दी है, और उनको भूख सी भी कम लग रही है आज, वो कह रहे थे मुझे कम ही खाना है, तो ये ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगता है इस तरह से दाल खाना। तो आप लोग भी अगर इस तरह से फॉलो करते हो डाइट को तो कमेंट करके बताना, और मुझे लगता है डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हैं तो, है ना, क्योंकि आपको जो मेडिसिन होती है ना तभी असर करती हैं अगर आप अच्छे से अपनी प्रॉपर डाइट का ध्यान रख रहे हो, अगर आप कुछ भी गलत सलत नहीं खा रहे हो, क्योंकि आपकी मेडिसिन भी उतना वर्क नहीं कर पाती हैं अगर आप खाने में लापरवाही कर रहे हो तो। तो बच्चों की प्लेट्स भी लगा देती हूँ दोस्तों, और देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है पास्ता, और मैंने भी थोड़ा पास्ता ही खाया था इसमें से, और मैं हमेशा सूजी वाला पास्ता लाती हूँ, मैंने आपको कई बार बताया मैं मैदे वाला पास्ता यूज़ नहीं करती बच्चों के लिए भी, तो मेरे को लगता है कि वो शायद हेल्दी ऑप्शन है, मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है, लेकिन बस मेरे को लगता है तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। लग गई है प्लेट, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों टेस्टी टेस्टी पास्ता खाने के लिए। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और श्रीजा स्कूल गई है, पापा उसके चले गए अपनी ड्यूटी पे, और सक्षम ही आ रहा है, और एक छोटी सी बच्ची भी आई हुई है, वो खेल रही है सक्षम के साथ में, और इसको आपको पहले भी दिखाया था शैतान गुड़िया रानी को, शैतानी है भोली भाली है वैसे तो। और मैं आपसे बात कर रही थी दोस्तों, तो अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और उससे पहले कुछ आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। देखो कुछ लोगों को ना मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ठीक है, कुछ दिनों से मेरे को इतने हेटर्स मिल रहे हैं, आई डोंट नो कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, मतलब लोग एक दूसरे से क्यों चिढ़ने लग जाते हैं। देखो
कल को भी, कल रात को भी मेरे को बड़े अजीब अजीब से कमेंट मिले, एक दोस्त की लाइव में थी मैं, बट मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि कुछ लोगों को मेरे से पर्सनली इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखो मैं कभी किसी के बारे में हेट नहीं करती, कुछ नहीं करती, अब पिछले एक दो बार में ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ बोल दिया था, लेकिन पर्सनली उनसे भी मेरा कोई हेट नहीं है, और इसलिए वो वीडियो और वो लाइव मैंने अपने चैनल से हटा दिया था, ठीक है। और वो मुझे एक होता है ना, थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में गुस्सा आ जाता है किसी की बात सुन के, अगर किसी को कोई सपोर्ट मिल रहा है ना, अगर ऑडियंस किसी को सपोर्ट कर रही है, उसके सब्सक्राइबर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप किसी को ऐसे हेट भी नहीं कर सकते। मामा परीदी बोल रही है ऊपर चले। नहीं ऊपर नहीं जा सकते, छोटे बच्चे अकेले नीचे खेलो बेटे, यहीं मम्मी को बात करने दो। तो मैं ये पूछ रही थी, और दूसरा देखो सपोर्ट की बात ये है, मैं अपने चैनल से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, और मैं देखो मैं बिलीव करती हूँ, कचरे वाले भैया को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद में करती हूँ आपसे। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि देखो मैं दूसरों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अपना डिसरेस्पेक्ट भी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरा मैं फैमिली ब्लॉग्स बनाती हूँ, आज से ब्लॉग नहीं बना रही, काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे को बहुत सारे सपोर्टर भी मिलेंगे, हेटर्स भी मिलेंगे, बट कोई पर्सनली आके मुझ पर कुछ कमेंट करे ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जहाँ तक मेरे चैनल की बात है, ठीक है, उसके लिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ YouTube पे कि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं YouTube पे आऊँ कुछ करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कभी कभी नहीं ऊपर नहीं जा सकते, मतलब मैंने हमेशा बोला है YouTube पे कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा एक पैशन था, और आज भी है। देखो जब आपको आपके अंदर किसी चीज़ को करने की चाहत होती है ना, और हाँ वो काम करना, मेरी कहते हैं ना इंसान दो चीज़ों की वजह से काम करता है, या तो उसका पैशन, उसकी उसकी चाहत हो, या फिर उसकी मजबूरी हो। तो मैं इस टाइम पे मेरी चाहत भी है मेरा काम, जो हमेशा से था, और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरे को ज़रूरत भी है इस टाइम, तो यार मेरे लिए तो दोनों चीज़ें हैं। तो कोई एक बंदा आके मुझे कहने लग जाए कि तुम्हारे वीडियो चल नहीं रहे या कुछ, तो तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियो नहीं चल रहे, मुझे बहुत प्यार करने वाले, बहुत सपोर्टिव लोग मिलते हैं यार, ठीक है, और मुझे बहुत सारे लोगों का रेस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक मुझे पता है जेन्युइन तरीके से जो लोग आगे बढ़े हैं यूट्यूब पर, उनको दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं ईजिली। हाँ वो बात अलग है कि आप फ्रॉड करके या फिर कुछ भी कंटेंट वंटेंट तो होता नहीं कुछ लोगों का आजकल, कुछ भी करते हैं। और दूसरा ये कि मैं अपनी वीडियो में क्या कह रही हूँ, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इससे। तो देखो मैं तुम लोगों के लिए तो बनाती नहीं वीडियो, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, और अपने देखने वाले जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो उसको प्यार करती है ना, उसके लिए बनाती हूँ। तो तुम इतना हेट करके जल फूक के मरो मत, और मरना है तो मर जाओ फूक के, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और देखो अभी तक जो मैंने कमेंट डिलीट किया है ना, अभी मैं डिलीट नहीं करूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पिन कर देते हैं उन कमेंट्स को, वो हाईलाइट हो जाते हैं, लोग नीचे गालियाँ लिख के जाते हैं उनको कि तुमने इनको ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो तुम लोगों के साथ में भी वही होगा, तो तुम्हें वही अच्छा लगेगा। मैं हेटर्स के लिए बोल रही हूँ, मैं कभी भी देखो मैं तो जल्दी से गुस्सा भी नहीं होती, मैं बहुत प्यार से रहती हूँ सबके साथ में। दूसरा मेरे को कोई मेरा अच्छा दोस्त है यूट्यूब पे, बहुत सारे फ्रेंड हैं, कोई हेल्प के लिए भी बोलता है, तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा सबकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए खड़ी होती हूँ। और सिर्फ यही नहीं है कि वो बेनिफिट के लिए, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे दोस्त मिले मुझे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे मिले, सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया या नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप एक अच्छे इंसान हो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं किसी के बारे में आज भी कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जलने फूकने चिढ़ने से किसी से कुछ नहीं होता है, अपनी किस्मत का अपने भाग्य का सबको मिलता है, ठीक है। कभी कभी चीज़ों को आगे बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप एक छोटे से बच्चे को पढ़ाते हो तो स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ता है, एकदम से थोड़ी ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, लेकिन एकदम से जो ऊपर चढ़ के बैठता है ना, उसके पास एजुकेशन भी अधूरी रहती है, ठीक है। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ और कुछ सिखाने की भी कोशिश करती हूँ, और मेरे वीडियोज़ में बकवास नहीं होती है, ठीक है। मैं कुछ रेसिपीज़ देने की या टिप्स देने की कोशिश करती हूँ, हमेशा मैं कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे टिप्स, छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड। मैं अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ, और हाँ सबसे बड़ी सीख मैं लोगों को ये देने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना,
तो अभी आप उसको मैनेज करके कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, अपनी फैमिली को कैसे संभाल सकते हो। लेकिन जो लोग ना यहाँ से खाली होते हैं उनके दिमाग में ये बात तो घुसेगी नहीं, उनको वो तो करना नहीं होता, उनको ट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो यार मेरे ऊपर ये सब बातें मत थोपो, मेरे साथ में ये दिमाग खराब करने वाली बकवास मत करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इस टॉपिक पे मैं आज के बाद बात भी नहीं करूंगी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई थी, मेरे को ना अच्छा नहीं लगा कुछ रात, और दूसरी बात मेरी वजह से कुछ भी करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, जिनको मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, और आप लोगों का प्यार तो है ही मेरे साथ में, और क्या चाहिए। आप लोगों के ना इतने ब्लेसिंग्स मिले मुझे पिछले दिनों और आज भी मिलते हैं। मेरा हेल्थ इशू इतना हो गया कि मैं खुद ही इतनी परेशान रहती हूँ, कितने सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, उनके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप लोग इतना टाइम देते हो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के रिप्लाई करूँ, ठीक है। लेकिन ये तो लाइफ का एक फेज है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों से यही कहूंगी कि जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना, पहली बार आए हो तो कमेंट भी करना सब्सक्राइब भी करना। और आपको अगर रेसिपीज और मेरी वीडियो मेरे ट्रिक्स अच्छे लगते हैं, मेरे जो छोटे छोटे से टिप्स देती हूँ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज शेयर करना दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको बहुत सारा प्यार, लव यू, बाय बाय दोस्तों। और मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाए, है ना। चलिए दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल।